Hello everyone, welcome to my channel Shuchish Randhar Bahar. आज मैं आप लोगों के साथ एक पनीर का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर तो आप सभी ने बहुत कोई हैं जो रेस्टोरेंट में खाए हैं, तो आज मैं वही कढ़ाई पनीर घर में बनाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें ज़रूरत है पनीर। पनीर को यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ करके काटी हूँ। ऑनियन को भी मैं, देखिए आप, मैं लंबा लंबा करके ऐसे काटी हूँ। कैप्सिकम और टमाटर, कैप्सिकम और टमाटर को भी मैं ऐसे लंबे लंबे काटी हूँ। और ग्रीन चिली, एक मीडियम साइज़ का जो ऑनियन है उसको मैं चॉप कर ली हूँ। एक हाफ इंच का अदरक को मैं यहाँ पे कद्दूकस कर ली हूँ, ये ग्रेट कर दी हूँ मैं ग्रेटर से। लहसुन, एक मीडियम साइज का टमाटर को मैं क्यूब करके काटी हूँ, और ये भी मैं एक इंच का अदरक को मैं काट ली हूँ। यहाँ पे मैं लहसुन, टमाटर और अदरक का पेस्ट बनाऊंगी। फिर हमें ज़रूरत है ब्लैक पेपर, ये होल ब्लैक पेपर है, होल क्यूमिन, गोटा जीरा और धनिया, गोटा होल कोरिएंडर। इसको, ये जो मसाला है, ये गोटा वाला, इसको मैं जो कढ़ाई मसाला है वो इससे कढ़ाई मसाला मैं बनाऊंगी। फिर हमें ज़रूरत है सॉल्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्रीम, घी और ऑयल का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो कढ़ाई मसाला है उसको हम बना लेते हैं। एक पैन में मैं जितने भी सारे ये गोटा मसाला है मेरा, इसमें मैं डाल देती हूँ, और इसको हमें फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से, मतलब कुकरी हो जाए। तो इसको मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ। इसको जब मैं फ्राई कर रही हूँ, अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। इसको ज़्यादा फ्राई आप नहीं करेंगे, देखिए जैसे चटकार मार रही है, ये चटकार आ रहा है, मतलब ये देखिए, मतलब ये जो है हमारा सारा मसाला ये फ्राई हो रहा है। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट हल्का सा ब्राउन कलर का जब हो जाए तब हम इसे बंद कर देंगे। सारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसे मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, फिर इसका मैं पाउडर बना लूँगी। अच्छा, इसको जो हम पीसेंगे ना, इसको हमें फुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरापन ताकि रहे इस मसाले में। हमें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा होगा। ये देखिए कैसे मैं ये दरदरा पीसी हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें मसाला को पीसना है। अब मैं पेस्ट बना लेती हूँ। अदरक, लहसुन और टमाटर, ये सारे चीज़ों का मैं एक पेस्ट बना लूँगी। देखिए कितना अच्छा स्मूथ एक पेस्ट रेडी हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ग्रेवी बना लेते हैं। एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल दूंगी, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब इसमें मैं ये छोटा चम्मच का 1 स्पून जीरा दे देती हूँ। अब मैं इसमें ग्रेटेड किया हुआ जो अदरक है, मैं उस अदरक को इसमें दे देती हूँ। थोड़ा सा चला लूंगी। अब मैं इसमें जो चॉप किया हुआ ऑनियन है वो इसमें मैं डाल देती हूँ। इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है, ज्यादा ब्राउन मैं इसको नहीं करूंगी।
देखिए ऑनियन जो है हल्का गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें जो अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट है उसको मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छे से चला लेती हूँ मसाले के साथ। अब मैं इसमें कुछ जो पाउडर मसाले हैं उसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अब देखिए मैं एक टेबलस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर जो है वो मैंने इसमें यूज़ किया है। थोड़ा सा नमक दूंगी क्योंकि नमक जो है हम बाद में भी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा नमक। अब इसे बहुत अच्छे से इस मसाले को हमें फ्राई करना है। आप चाहो तो इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा, इसके लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाद में हम उसको ऐड करेंगे। मसाला देखिए बहुत हद तक फ्राई हो गई है, इसको मैं और थोड़ा सा फ्राई करूँगी जब तक कि इससे अच्छे से खुशबू ना निकल जाए। और थोड़ा सा इसको मैं फ्राई कर लूँगी। मसाला देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें हल्का सा एकदम थोड़ा सा पानी के कुछ छींटे दे के इसको मैं हल्का सा एकदम ग्रेवी टाइप का मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ एकदम कम और मसाला को अच्छे से मिला लूँगी। बस और एक मिनट इसको मैं अच्छे से फ्राई करके मसाला को मैं उतार दूंगी। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इस मसाले को मैं अलग से उतार देती हूँ। फिर मैं पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी इसमें मैं डाल देती हूँ। अब अच्छे से घी जो है वो मेल्ट हो जाए। घी जो है बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गई है और इसमें अब मैं क्या करूँगी, जो ऑनियन स्लाइसेस थी इसको मैं डाल दूँगी। साथ ही साथ जो कैप्सिकम रखी हुई थी उसको भी मैं डाल दूंगी। अब इसे हमें टॉस करना है। अब मैं इसमें हरी मिर्च भी दे दूंगी और साथ ही साथ जो टमाटर में रखी थी काट के सब एक साथ मैं दे दी। गैस का फ्लेम जो है अब मैं हाई कर लेती हूँ और इसको अच्छे से हमें टॉस करना है। नमक मैं अभी इसमें नहीं दूंगी, अगर मैं इसमें अभी नमक दूंगी ना तो नमक का जो पानी है वो पानी छोड़ने लग जाएगा, उसको मैं बाद में ऐड करूंगी। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है घी का, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड की हूँ। इसको मैं टॉस कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया से ये जो है टॉस हो रही है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये सारे कैप्सिकम ऑनियन और जो आपका टमाटर है इसको मैं एक साइड करके जो पनीर है ना इसको मैं एक साइड में दे देती हूँ। इससे क्या होगा, पनीर भी जो है वो पकने लग जाएगा। पनीर के टुकड़ों को भी मैं एक साइड करके रखती। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। नमक थोड़ा सा दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मसाला में है और हमारा जो कढ़ाई मसाला था जो मैं बनाई थी वो कढ़ाई मसाला में भी नमक दिया हुआ है।
अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। धीरे से मिलाइएगा ताकि हमारा पनीर जो है वो टूट ना जाए। देखिए कितना सुंदर से तो कलर आया है। मैंने अभी तक इसमें कोई मसाला जो है यूज़ नहीं किया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दूँगी। हाफ स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल दी हूँ। बहुत अच्छा सा एक कलर आएगा इससे। चला लेती हूँ अच्छे से। देखिए कलर जो है इसका बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, हमारा जो कढ़ाई मसाला था जो मैं बनाई थी उसको इसमें डाल दूँगी। कढ़ाई मसाला जो है इसमें मैं एक ये बड़ा चम्मच का एक चम्मच और हाफ स्पून इसमें मैं डाल देती हूँ। मतलब मैंने कढ़ाई मसाला इसमें बड़े स्पून का डेढ़ चम्मच मैंने इसमें यूज़ किया है। अब मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। देखिए पनीर जो है हमारा एकदम गोटा है, पनीर बिल्कुल भी नहीं टूटी है। देखिए कितना अच्छा सा एक कलर आया है और मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा खुशबू भी आ रही है इससे। ये आप इस तरह से बनाइएगा, ये बिल्कुल आपका रेस्टोरेंट के जैसा आपका कढ़ाई पनीर बनेगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, जो मैं मसाला बना के रखी थी उसको मैं इसमें डाल दूंगी। ये जो मसाला है मैं इसमें डाल दी, अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, एकदम हल्का सा, ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पनीर और सारे सब्जियों के साथ जो है वो मिल जाए। देखिए बहुत कम पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए कितना अच्छा सा एक कलर आया है और कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर से एक तो कलर आया है। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा मतलब बड़े स्पून का एक स्पून मैं इसमें क्रीम ऐड कर देती हूँ। ये ऑप्शनल है, ये मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसका लुक सच में बहुत अच्छा आता है। आप खुद देखना, मैं जब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ना तो इसका लुक कितना अच्छा आ जाएगा और इसका स्वाद भी बहुत अच्छे से जो है वो बढ़ जाता है। इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। देखिए हमारा कढ़ाई पनीर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है, उसे खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हो ये लुक भी जो है ये एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे आया है। जी हाँ, मैं ये रेस्टोरेंट का स्टाइल का ही मैं बनाई हूँ कढ़ाई पनीर। चलिए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई पनीर को सर्व कर दिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में और खाने में भी उतना ही टेस्टी भी है। तो आपको मेरा ये रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी मेरी इस रेसिपी को देख सकें। कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और घर में तो बिल्कुल भी ट्राई करिएगा। ओके, तो मैं बहुत जल्द फिर से वापस आऊँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।